नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरपी राजपूत। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मानसून ने दस्तक दी है। अब नदी नाले उफान पर हैं और कहीं कहीं तो इतना पानी भर गया है कि ऐसे लग रहा है कि रिहायशी बस्ती मानो दरिया में हो, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। अब एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है रायसेन से, जहाँ रायसेन में एक शराब के नशे में धुत व्यक्ति नदी पार कर रहा था। नदी उफान पर थी, पुल पर पानी था, बहुत तेजी से बह रहा था, लेकिन शराब के नशे में धुत एक व्यक्ति नदी पार कर रहा था। फिर क्या था, कुछ ही पलों में वह नदी में जा गिरा और बह गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से शराबी नदी पार कर रहा है, उसकी लापरवाही नजर आ रही है। लोग मना कर रहे हैं लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। लोग मना कर रहे हैं कि पुल पर बहुत अधिक पानी है और बह जाएगा, लेकिन शराबी नहीं माना और नदी पार कर रहा है। कुछ देर तक चला लेकिन लड़खड़ा कर गिर गया और इसके बाद नदी में ही बह गया। गनीमत रही कि ये तैरना जानता था और ये नदी में तैरने लगा और कुछ देर बाद ही नदी से बाहर निकल आया। देखिए पूरा वीडियो किस तरह से शराब के नशे में धुत एक व्यक्ति नदी में बह गया और फिर तैरने लगा और तैर कर बाहर निकल आया। देखिए पूरा वीडियो। झोलना फेंक दे। ये घटना है बीना नदी माला बेरखेड़ी घाट स्टंप डैम की, जहां रायसेन जिले के बेगमगंज के बीना नदी पर बने बेरखेड़ी डंप स्टंप डैम के पुल के ऊपर से पानी बह रहा था। इसके बावजूद भी ये व्यक्ति नहीं माना और नदी पार करने की कोशिश कर रहा था, तभी इसका संतुलन बिगड़ा और नदी में जा गिरा। लेकिन गनीमत रही कि ये तैर के जानता था और तैर कर नदी से बाहर आ गया। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में देर से मानसून आया है और अब नदी नाले उफान पर हैं, इसके बावजूद लोग मुसीबत मोल ले रहे हैं। जैसा आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से लोग मुसीबत को मोल ले रहे हैं। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों देखने के लिए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।